डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब में कोरोना वायरस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज हम डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब में आपसे मुखातिब है। यहाँ पे हमने आज जो प्रोग्राम रखा है वो आगाही मुहिम है कोरोना वायरस की, जो पूरी दुनिया की जो लपेट में, और हम जो बात करेंगे कराची के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अपना प्रेस क्लब के सदस्य साहब मौजूद है, हमारे साथ अल्लामा साहब, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का सीनियर नाइट सदर मौजूद हूँ, और सलाह न्यूज की नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमारी आज प्रेस का सबसे बड़ा जो हमारा मौजूद था वो कोरोना वायरस है। मौजूद के कोरोना वायरस जब पाकिस्तान में आया तो यहाँ पे आते ही उन्होंने एक काम जो किया वो सबसे पहले उन्होंने स्कूल से किया, स्कूल बंद कर दिए सारे, शॉपिंग मार्केट बंद कर दी सारी उन्होंने, और जितने भी तफरीगाह थे, पार्क थे, प्ले ग्राउंड थे, जो भी थे, उन्होंने सबके सब सारे बंद कर दिए। लेकिन एक बात पर हमें इतना ज़्यादा अफसोस हुआ कि कोरंगी के अंदर इंडस्ट्री एरिया, मैं बात करूँगा कोरंगी के, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है तो मैं कोरंगी को ज़्यादा फोकस करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं वो सारी खुली हैं। क्या वो क्या इंसान नहीं है क्या? क्या उनको कोरोना वायरस क्या ले सके? कोरोना वायरस उनको कोरोना वायरस नहीं हो गया? जबकि कंपनी के मालकान कंपनी में नहीं आ रहे, कंपनी के जो मालकान हैं वो कंपनी में नहीं आ रहे, जो उनके अफसान हैं वो भी नहीं आ रहे, लेकिन लेबर जा रही है वहाँ पे काम करने के लिए। कितने अफसोस की बात है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है ये, यहाँ पे मतलब इस्लामी कंट्री है ये, और यहाँ का हर देखा कि कंपनी के अंदर लेबर आ रही है जो चंद पैसों में अपनी जान हथेली पर रख के वहाँ पे काम कर रही है। अगर किसी एक को होता है वहाँ पे कोरोना वायरस तो कितनी जल्दी फैलेगा वहाँ पे? ये हर कंपनी में 4,000, 5,000, 10,000, 6,000 इस तरीके से वहाँ पे लड़कियों की और लड़कों की तादाद है वन लेबर की। तो मैं खुदा मैं अपना ये अपने गवर्नर सिंह से मैंने गुजारिश करता हूँ और न कराची से गुजारिश करता हूँ कि मैं खुदा इन पर रहम है, और ये जब तक इंप्लीमेंट नहीं आता या जब तक कोई ऐसा डोज नहीं आता, जब तक कोई ऐसा इस पर मतलब रोकथाम नहीं होती, तो कंपनी के वर्करों की भी छुट्टी दिया जाए प्लीज। ये आप मेरी जो आज हमने जो अटेंड कॉन्फ्रेंस रखी यहाँ पे प्रेस क्लब पे, और तमाम मीडिया की तरफ से, मतलब जितने भी कोरंगी के मीडिया साथी वाले हैं, मैं उनकी तरफ से नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और ये आपसे मतलब इल्तिमास करता हूँ कि खुदारा कि आप लोग थोड़े से फैक्ट्री के जो मतलब लेबर है, वर्कर्स हैं, इनकी छुट्टियाँ लाजिमी करवाएं, थोड़ी सी उनकी छुट्टियाँ करवाएं, ताकि शायद ये किसी वायरस से बचाएं, क्योंकि कंपनी के अंदर कोई भी काम नहीं, ना कोई मास्क लगाकर जा रहा है, ना कोई वहाँ पे कोई उनके पास स्प्रे है, ना कोई ऐसा काम है जो मतलब उनकी सेफ्टी हो। एक एक कंपनी में 6-7 हजार लेबर एक साथ बैठ के काम कर रहे हैं। तो आप जब सब फोकस करें, किसी मीडिया ने आवाज नहीं उठाई, किसी अखबार ने, किसी एंकर पर्सन ने ये मतलब आवाज दी है, सबने शादी हाल बंद करवा दी है, प्ले ग्राउंड पार्क सब बंद करवा दी, लेकिन किसी एक शख्स ने, मैंने कल भी मेरे टीवी खोल के चेक करा जो भी न्यूज आ रही उसको देख मैंने तो सुनी थी मैंने कि किसी ने भी एक ने भी आवाज नहीं उठाई कि कंपनी भी बंद होनी चाहिए। तो मेरा जो सारा फोकस है वो कंपनी की लेबर के ऊपर है, उनके मालकान से मैं गुजारिश करता हूँ कि खुदारा आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, और ये भी किसी के बच्चे हैं, ये भी किसी की घर के होते हैं, तो खुदारा आप थोड़े दिन के लिए फैक्ट्री को बंद कीजिए जब तक कोई इसका एक काम नहीं होगा। मेरी गुजारिश है आला कमांड से, चीफ ऑफ जस्टिस से, वजीर आला सिंह से, मैं गुजारिश करता हूँ कि प्लीज इस पर काम करें और कंपनियों में थोड़े दिन की छुट्टियां करवाएं, ताकि इसकी लेबर घर पे रेस्ट करें, जब कोई कोई काम आता है तो वो फिर फैक्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं जी। लेकिन चूंकि मर्ज चूंकि मुसी है और उसने उसकी कोई हदूद नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, ना उसका कोई बॉर्डर है, ना उसकी सरहदें हैं कि उसने वहाँ उस बंदे को लगना है या उसको नहीं लगना है, इस मर्ज में ठीक है। तो मेरे ख्याल जो है ये बड़ा अच्छा इन्होंने आज पॉइंट आउट किया, जिसमें सैफ साहब हैं, ये बहन सिमरा बैठी हुई हैं। तो मैं ये कहूँगा कि एक तो ये मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल मार्केट से गायब हैं इस वक्त, ना पैद हुए हुए हैं, वो मुहैया किए जाएँ, बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मास्क खरीद के पब्लिक प्लेस पे, जैसे ही स्ट्रोक के दौरान जो है वो पानी का बंदोबस्त किया जाता है, कूलर रखे जाते हैं और दीगर इकदाम किए जाते हैं, इसी तरह ये मास्क का भी बंदोबस्त किया जाए, जगह जगह कैंप्स लगे, लोगों को उसकी अवेयरनेस दी जाए कि भाई अपने हाथ धोएं, मास्क लगाएं, और इसमें एहतियाती तदाबीरें जो हैं वो बाकायदा जो है हमारे सरकारी टीवी चैनल हैं, रेडियो हैं, अखबार हैं, बल्कि इश्तहार भी आवाम को आगाही दी जाए। और ये यकीनन जो है एक बहुत बड़ा इकदाम है हुकूमत की तरफ से, एहतियात तो सबका मुहाफिज तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन फिर भी इंसान को चाहिए एहतियात करना, तो एहतियात करना हमारा काम है और हमें इसमें पूरी हुकूमत जो है सपोर्ट करनी चाहिए, हुकूमती इकदाम। और इसमें जो हमारा एलीट क्लास जो लोग हैं, सरमायादार हैं, अहले सरबत और सरमायादार हैं, उन्हें भी इसमें इस मामले में, जैसा कि सिद्धा ने पॉइंट आउट किया कि रोज़ाना जो लोग जाते हैं और इजरत करते हैं डेली वेजिस बुनियादों पर, तो यकीनन कि घर में अगर कमा कर नहीं आएंगे तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा, फाकत कशी हो जाएगी।
تو یہ مالکان اور حکومت اگر چاہے تو یہ مسئلہ سولو کیا جا سکتا ہے مل جل کر آپس میں کہ ٹھیک ہے جی ان کو کچھ حکومت کمپنسیشن کرے کچھ مالکان کر دیں. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ مالکان میں پورا پریشر ڈل جائے تو حکومت بھی اس میں کمپنسیشن میں ان کے ساتھ تعاون کرے کہ آدھا پیسہ حکومت اپنے پاس سے ڈال دے آدھا مالکان کو پابند کر دے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر ایک مہینے کی چھٹی ہے تو 15 دن کا حکومت آپ کو دے دیے 15 دن کا آپ دے دیں یا 15 دن کا دے دیں تو ایک ہفتہ وہ حکومت اس میں سپورٹ کر دے. چونکہ فنڈس ہیں مزدوروں کے لیبر فنڈ لیبر قوانین کے اندر بہت سارے فنڈ